आज हम क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में यह क्लास 9 से लेकर के ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए आवश्यक है। जैसा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन इन्हीं हाइड्रोकार्बनों के द्वारा या इनकी व्युत्पन्नों के द्वारा निर्मित है, अर्थात यह बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का भाग है। आज हम इसके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का वर्णन करेंगे। हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक, ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक। नंबर दो, क्लोज्ड चेन कंपाउंड या बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक। यानी हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हुए, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक या बंद श्रृंखला यौगिक। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का अध्ययन हम करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं वे एक दूसरे से खुली श्रृंखला में होते हैं। ये आपस में जुड़ करके कोई रिंग नुमा संरचना नहीं बनाते या चक्रीय यौगिक नहीं बनाते हैं। ये पार्श्व श्रृंखला में पाए जा सकते हैं, लेकिन सभी चेन इनका खुला हुआ रहेगा। इन्हें सुविधा के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर दो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं, जैसे मेथेन, एथेन आदि। इनका सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। जैसे पेंटेन, तो नंबर ऑफ कार्बन या 5 होगा, तो C5H2×5+2=12। तो पेंटेन का फार्मूला हुआ C5H12। उसी तरह डेकेन C10H22, मेथेन CH4, एथेन C2H6, हेक्सेन C6H14 आदि। तो मेथेन को समस्त एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। एलिफैटिक यौगिक ग्रीक के एलिफायर शब्द से बने हुए हैं, जिनका अर्थ होता वसा या चर्बी, इसलिए इन्हें वसीय यौगिक भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विकबंध या एक त्रिकबंध उपस्थित होना अनिवार्य है। द्विकबंध तथा त्रिकबंध की उपस्थिति के आधार पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, एल्कीन। नंबर दो, एल्काइन। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसमें कम से कम दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विकबंध डबल बॉन्ड का होना उपस्थित आवश्यक है। इसके सदस्यों को ओलिफिन भी कहा जाता है, जैसे एथिलीन C2H12, प्रोपीन C3H6। एल्केन के लिए एक कार्बन रहेगा तब भी इसका फार्मूला बन जाएगा, जैसे CH4। लेकिन एल्कीन या एल्काइन के लिए कम से कम दो कार्बन परमाणुओं का होना आवश्यक है, ताकि उनके मध्य कम से कम एक द्विकबंध या एक त्रिकबंध लग सके। अब हम चर्चा करेंगे एल्काइन के बारे में। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिकबंध ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, एल्काइन कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जैसे एथाइन C2H2, पेंटाइन C5H8। इसको निकालेंगे आप, पेन में 5 कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा, तो C5 और 2×5
बराबर 10, 10 माइनस 2 बराबर इक्वल टू 8, यानी सी 5 ई एच 8। उसी तरह यहाँ 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी सी 2 ई एच 2। इसी तरह डेकाइन का निकाल सकते हैं 10, 10 2 जा 20, 20 माइनस 2 यानी सी 10 ई एच 18। ये डेकाइन का फार्मूला हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट क्लोज्ड चेन कंपाउंड या चक्रीय यौगिक या बंद श्रृंखला यौगिक है, अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं, चक्रनुमा संरचना वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्लोज चेन कंपाउंड या चक्रीय यौगिक या बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे बेंजीन, बेंजीन का निर्माण कैसे हुआ? कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन, कार्बन, कार्बन परमाणु, इस तरह आपस में जुड़ करके एक बंद श्रृंखला वाले यौगिक का निर्माण किया गया। इस प्रकार यह चक्रीय यौगिक बना। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, नंबर एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, नंबर दो एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड वे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं परंतु वे बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं। अभी आपने देखे कि एलिफैटिक यौगिक जो है खुली श्रृंखला में रहते हैं, लेकिन ये बंद श्रृंखला में है। इनके गुण इन एलिफैटिक यौगिकों से मिलेंगे लेकिन इनकी श्रृंखला जो होगी बंद श्रृंखला होगी, इसलिए इनको एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जैसे पांच कार्बन वाली श्रृंखला, पांच कार्बन वाले चक्रीय यौगिक साइक्लोपेंटेन, चार कार्बन वाले चक्रीय यौगिक साइक्लोब्यूटेन, तीन कार्बन वाले चक्रीय यौगिक साइक्लोप्रोपेन आदि। अर्थात एलिसाइक्लिक यौगिक वे यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं लेकिन इनका रूप जो होता है चक्रीय यौगिक के समान होता है। दूसरा पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक। यह ग्रीक के एरोमा शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विशेष गंध या खुशबू। अर्थात एरोमेटिक यौगिकों में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। बेंजीन को समस्त एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। चक्रीय यौगिकों को उनमें उपस्थित चक्रीय श्रृंखला संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, नंबर एक समचक्रीय यौगिक, नंबर दो विषमचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, अर्थात जब रिंग में केवल कार्बन कार्बन परमाणु हो, कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु न जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे चक्रीय यौगिक को समचक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे बेंजीन हो गया आपका, साइक्लोहेक्सेन हो गया, देख रहे हैं यहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन, तिन्हें हम कहते हैं समचक्रीय यौगिक। दूसरा पार्ट इसका है विषमचक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जब कार्बनिक यौगिक के चक्र में या श्रृंखला में कार्बन परमाणु के अलावा सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि परमाणु भी उपस्थित होते हैं तो ऐसी यौगिकों को हम विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे थायोफिन, यहाँ हर जगह कार्बन परमाणु है परंतु यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सल्फर लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है पिरिडीन में। इसी प्रकार फ्यूरान, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है। इस तरह से हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको चार पार्ट में अध्ययन करना होगा। सबसे पहले आप एल्केनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके व्युत्पन्न पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट में आप एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में आप एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एल्केन के साथ।